हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए आज मैं कितना सुंदर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, स्वेट जर्सी में, सब चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है, बच्चों के स्वेटर में भी बना सकते हैं, फुल बाजू के में। और ये दोनों साइड से बनता है और दोनों साइड से एक जैसा लगता है। ये देखिए इसको हम दोनों साइड से बनाते हैं। ये 13 फंदों का एक डिजाइन है। ये देखिए आप, वैसे तो ये डिब्बी सिर्फ 3 फंदों की है, लेकिन यहाँ तक मिलाकर और यहाँ से यहाँ तक एक डिब्बी बनाई जाती है इसकी। ये देखिए आप, और आसान भी बहुत है क्योंकि ये बॉर्डर टाइप बनता है, जैसे हम बॉर्डर में बनाते हैं उसी प्रकार से बनता है। अब मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए हमें पहले 6 सिलाइयाँ, आप लंबाई का गैप ज़्यादा देना चाहें तो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 सिलाइयाँ डाली हैं ऐसे। और ये किस प्रकार से डाली हैं, इसकी पहली सिलाई इस प्रकार से पड़ेगी। ये देखिए आप, पहले 2 फंदे सीधे बनाइए, फिर 2 फंदे उल्टे बनाइए। ये इसकी पहली सिलाई है और इसी प्रकार से हम 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए आप, एक रो बन जाती है इसकी, एक डिब्बी। फिर 2 फंदे उल्टे। इसी प्रकार से हमने पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। यहाँ आप 3 फंदे भी सीधे रख सकते हैं क्योंकि बुनाई में तो एक फंदा आएगा, 2 फंदे सिलाई के लिए हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर 2-2 फंदे दोनों साइड रखे हैं। ये देखिए, ये थी हमारी फर्स्ट रो। इसी प्रकार से हमने 6 सिलाइयाँ बनानी हैं। फिर उल्टी साइड से 3 पर उल्टा, ये देखिए अलग से पता चल जाता है कि उल्टे पर उल्टा और 3 पर सीधा। इस प्रकार से हम उल्टी रो बनाएंगे। पूरी रो हमने इसी प्रकार से कंप्लीट करनी है। ये हमारी 6 सिलाइयाँ यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप ज़्यादा गैप देना चाहें यहाँ पर, इस डिब्बी को लंबा करना चाहें, तो यहाँ पर 8 सिलाई 10 सिलाई आप आसानी से डाल सकते हैं। अब आगे क्या करना है आप ये देखिए, एक फंदा ये उतारा, यहाँ पर दूसरे फंदे पर आगे धागा किया, जाली बनाई, फिर एक फंदा उल्टा,
और अब देखिए यहाँ पर जो जाली बनाई हमने, इसके साथ लगते हुए एक फंदा हमने कम भी करना है। यहाँ पर हमने जो जाली बनाई, इस फंदे को घुमाकर इसके साथ इसको कम करना है, एक फंदा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, ऐसे चलेगा। और फिर यहाँ पर देखिए ये तीन फंदे हैं, इन तीन फंदों का, इन में से दो फंदों का एक करना है। आगे धागा किया, एक जाली बनाई, फिर आगे धागा किया, फिर दो फंदों का एक किया, ये इस तरह से। इन जो ये तीन फंदे हैं, इनके बीच में हमने यहाँ पर दोनों साइड जाली बनाई है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर पीछे धागा, फिर यहाँ पर देखिए इन दोनों फंदों का हम एक करेंगे। फिर आगे धागा किया, फिर एक जाली बनाई, इस फंदे को घुमाकर इसके साथ दो का एक किया, फिर आगे धागा करके जाली बनाई, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक उल्टा। फिर ऐसे ही यहाँ पर जहाँ पर आए हैं ये तीन फंदे हैं, इनके बीच में हमने जाली बनानी है और दोनों साइड हमने एक एक फंदा कम करना, ऐसे। अब यहाँ देखिए एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा आ गया। अब ये किनारी वाली है जो, इन में से इन दो फंदों का एक करना है यहाँ पर, और आगे धागा करके इस एक फंदे को सीधा बुनना है, तो इसके साथ है हमारी ये डिब्बी अटैच होकर पूरी बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमारी उल्टी साइड, उल्टी साइड में हमने उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बनाना है। ये हमने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली। ये आ गई हमारी सीधी साइड। अब देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसको हम सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा किया, इन दो का एक करेंगे, इस फंदे को ऐसे ही रखेंगे, ये सीधा चलेगा। अब यहाँ पर इन दोनों का एक करेंगे, ऐसे आगे धागा किया, यहाँ पर जाली बनाएंगे, फिर आगे धागा किया, इन दोनों का एक किया, इस फंदे को सीधा बुना, इन दोनों का एक किया, फिर आगे धागा करके जाली बनाएंगे। ये सब जाली वाले फंदे जो बीच के हैं, इनको हम सीधा बनाएंगे। आगे धागा किया, ये देखिए दो का एक किया, बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये जाली वाला फंदा है, इससे पहले हम जाली बनाएंगे। ये देखिए ये सिलाई सीधी साइड से हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे हमारी उल्टी साइड, उल्टी साइड में हम उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बनाएंगे। ये ज़्यादातर हमारी सिलाई उल्टी ही बुनेंगी, क्योंकि इसमें सारे फंदे उल्टे हैं।
ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी है। ये देखिए, अब ये हमारी इतनी ही डिब्बी थी यहाँ से लेकर, और यहाँ पर अब 6 सिलाई डाल देंगे तो हम ये हमारी डिब्बी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जो 3 फंदे आए हैं इसके ऊपर ही हम डिब्बी बनाएंगे। अब क्या आपको क्या करना है, ये देखिए, ये फंदा सीधा हो गया, ये 2 फंदे हमने उल्टे लेने हैं और ये 3 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। ये तो आसानी से पता चल जाता है, ये 3 फंदे सीधे हैं। फिर धागा आगे किया, ये 2 फंदे उल्टे, इसके जो ये बीच वाला सेंटर वाला फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। जैसे शुरू में किया था हमने उसी प्रकार से हमारी डिब्बी दोबारा बनेंगी, और जो ये 3 फंदे हैं इनके बीच में जाकर जाली बन जाएंगी। ये देखिए, इस डिब्बी के बीच के फंदे 2-2 उल्टे और एक बीच का सेंटर का फंदा सीधा रखना है। ये देखिए आप, जैसे ये मैंने शुरू किया है इसी प्रकार से शुरू करके फिर हम ये 6 सिलाइयाँ बनाएंगे। इसी के ऊपर अब 6 सिलाई बनेंगी, और फिर दोबारा जैसे यहाँ पर डिब्बी बनाई है ये डिब्बी यहाँ पर बनानी है, और इस तरह से हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।